हमारे पास मैंने क्लियर बता देते इतना लेना सना जी, इतना इन्हें इन्हें देना है, मैं ला करता रहना है 2 बजे या तो मैं उनके साथ भेज बचे ते तो अन्ना काय भी कौन लेनी 3000 लेनी है केवल ने ले और फिर पेशेंट ना खुद ने दे लीजिए, मैं शाम का ना दूसरी में आऊँ तो मैं ले लूंगी पेशेंट की सासू ने दे दू मैं है ना सब देख दूंगी जो तू ले लेगा भाई मंदराज आगा तो दिन दे दीजिए। अच्छा या भाई कीर्ति दीदी भी ला दू और तो कई करूँ कीर्ति दिन यार थाने पता हो 2 दिन तक कीर्ति दी 2 दिन तक ऊपर आ दिन हैंड टू हैंड करे तेनू पूरे मार्दन भी होता ना तो मैं तो नहीं करती। अच्छा ठीक है तो मैं ना मारू पेशेंट की सासू ने कह दे वो सदीक जी आ जाए फिर मैं गाँव निकेल शाम को है ना तो भाई मंदरा जावे जी ने ये 3000 रुपया दे दीजिए जो या देती रही कौन कौन ने देना है और कौन काटनी जी और कौन ने दे तू यामू 3000 कोई ने भी नहीं देनी पाटनी जी कीर्ति जी देनी है केवल पाटनी जी कीर्ति दीदी ने। हाँ। तो मैंने कल 5000 बताई मैं पेशेंट ने 5000 की पटक रही है ना पागल बन रही सुनो मेरी बात कल नहीं बताई पांच जितने बताई मैं तो पांच पेशेंट का सासू का बयान जी वह 5000 रुपया मांगी वह कदमपुरा वाली भाई 3000 रुपया मैं उन्हें कहती मैं बयान जी 5000 रुपया सब दिख दू मेरी बात करा दी जो मकरानू लेता है न तो अगर नहीं दिखा तो बयान जी 3 ही मांगी मैं मैंने 5 की घेर घेर थाने 3 की घे की अम्मा भी मांगा भी रिश्तेदारी है देख मंदराज रिश्तेदारी में फूट पड़ा काल ने वही सोचेगा कहीं तो ये मांगा ध्यान जी उसी लगा रही थी फिर प्राइवेट में चल जाता तो सुनो मेरी बात कीर्ति दीदी को यहाँ पहुंचो अंजना मैडम हाँ। केस सुनो तो क्या अपना वो तो देना अपन ने जो बात होगी वो तो देना बात है अगर कीर्ति दीदी पाटनी को नहीं कराती तो 100% लिखवा लो कि वो पेशेंट रेफर नहीं हो तो रेफर करता हूँ ना कीर्ति दीदी को 100% मैं कहीं 100% रेफर होते और अगर जिस जगह तक मैं भी बात है किसी जाती है ना तो भी कीर्ति दीदी को थाना पता अच्छी तरह क्योंकि वह दलाला का चक्कर में था को भी नाम आ गए तो वो 100% थाना भी पता होगी अगर पेशेंट के साथ थे भी रहता ना मैं तो भी 100% रेफर होते हैं माँ को तीना कोई आवा वो तो दलाला में नंबर है कीर्ति दीदी माने की मानू की देर नहीं होता था पेशेंट होता जी आओ दलाली कर दिया मैं पेशेंट आगा तो पैसे ले यार पेशेंट आगा मैं डिलीवरी का दिलावा होने की मंदराज 800 रुपया भी मैं हर स्टाफ ने देर जावा मैं तो बोल पाता हर स्टाफ ने देर जावा कभी मैंने चाहे मैंने मरीज 200 ही बच्चों मांगे मैं 200 लेर खुश हो जावा रात ने मेरे पास डिलीवरी मैंने 200 रुपया दियो पेशेंट फिर भी मैं अनिता दीदी ने 600 रुपया देर की जबकि आता आते टेबल को होगी वह डिलीवरी कोई मेडिकेट न लगी कोई बोतल न लगी इसकी तो मैं प्रेम अपा ने फोन करी प्रेम अपा मारे रेखा नाम को पेशेंट आ रहे हो और पाची रोटी 2 रोटी ले ली जितने रेखा की ननद फोन कर दी मैंने तब तक जीजी का लड़को हो गयो जी मैं 200 रुपया लेट चल गई और 600 रुपया जाने देगी हाँ मैं तो था इसके सोचा मैं तो मैं था ना ओसी में बोली थे बोली नहीं थे या बोलिया मैंने ओसी में कि भाई आपको भी बार बार बताऊं तो अच्छे नहीं लगा नहीं तो मैं बात सब देख जा रहा तू टेंशन मत कर बार दिला दे पैसा दिलाना देख मारा रोज को काम है कोई एक दिन को तो है कौन है और तू कह तो मैं कीर्ति दीदी का हाथ में मैं दे दू की मैं अपने कोई कीर्ति दीदी भी नहीं कौन है और मैं भी नया कौन है जो कोई लफड़ो हो क्योंकि कीर्ति दीदी भी जाना मान अच्छी तरह मैं भी जाना अब यह बात तो मैंने कीर्ति दीदी खुद ही कह देती मुंडा हूँ तब तक ना ये बात है सुनो तो अब तक कीर्ति दीदी का बात नहीं कीर्ति दीदी तो मन बोला अगर सर कीर्ति दीदी का सारे बात हुई है ना हाँ सामने बात हुई है ना। अच्छा मैडम मैडम कोई बात हो रही हमारी उस टाइम मैडम ये गेरी तो मैं जाती हूँ सर के पास मैडम मैडम ने साफ सामने फोन बात किया तो मैडम ने कहा बोला बात नहीं की आपके तो मुझे नहीं रोज ही आता है रेफर करो पेशेंट को हम कह रहे हम रोज ही आता है तो रेफर कर दो कहा पाटनी जी गेरिया आप बात तो, बोलिया मैडम हाँ। की दिन है तो पाटनी जी ने 1500 रुपया दिया तो तू दे दी बोली तू दे दी की दुनिया ने 1500 मैं तू कीर्ति दीदी ने दी 3000 रुपया अखन ने देना है जो ऊपर नकू दिलाना पेशेंट नकू 3000 है ना क्योंकि देख मैं भी गाँव निकलू मंदराज तू भी अटे ड्यूटी पे रहे माँ का भी मरीज आवे देख मैं भी कोई को बुरो कौन जीता ये ध्यान कर जे पर था मन ध्यान है मेरी आदत मैं कदे भी केस करे चले था कोई 1 रुपये भी ले गई थी। आपने जो भी ऑडियो मेरे को सुनवाया उस बारे में अभी मैं चूंकि अभी नया नहीं अभी मैंने पीएमओ का पदभार संभाला है
इसलिए मैं भी इसकी इस विषय में देखता हूँ कि ये किन लोगों के बीच में बातचीत है और ये किन लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, किसको पैसे देने की या किसको लेने की बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए कोई विभागीय जो है जिम्मेवार लोगों को इसकी जांच कराई जाएगी। सर इसकी कितनी तय तक है, क्योंकि अस्पताल में लगातार जो शिकायतें हैं जांच के नाम पर इस तरह से शिकायतें आती हैं, लेकिन अब ये ऑडियो वायरल हो रहा है जिससे अस्पताल की छवि भी धूमिल होती है। बहुत ही गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। सरकारी जो अस्पताल में सभी सुविधाएं निःशुल्क है और किसी भी तरह के ऑपरेशन के या डिलीवरी के या एक्स वाई जेड कोई भी तरह का पेमेंट गैरकानूनी है, अगर भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, इसलिए जो है इस पे जो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर अभी जो ऑडियो आया है क्या सच्चाई है इसमें, कितनी तय तक ऑडियो से इसमें कुछ लेने मतलब बातचीत में कुछ एकदम से कहना इस तरह संभव नहीं होगा, तो इसका नियमानुसार जांच करने पता चलेगा।